नवाज, आपका संघर्ष, आपका स्ट्रगल है बहुत ही लंबा चला. भीड़ में एक एक भीड़ में खड़े होकर कोई रोल निभाने से लेकर एक एक सीन वाले रोल निभाना और फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना और फिर मेन लीड में आना. मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जब आप इतने फेमस हो गए और जब आपको बड़े बड़े किरदार मिलने लगे तो आपका अप्रोच एक्टिंग के प्रति कितना बदला है, क्योंकि पहले तरसना पड़ता था एक एक अच्छे किरदार के लिए और बाद में बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, तो कितना अप्रोच बदला है एक्टिंग के प्रति, रोल्स एक्सेप्ट करने के प्रति, और अब तक का जो करियर रहा है सबसे बड़ी सीख क्या आपने हासिल की? क्या लास्ट में क्या था? सीख क्या हासिल की? सीख डे बाई डे आपको सीख ही मिलती है. हर रोज़ नया एक्सपीरियंस होता है, नए लोग होते हैं और आपकी जो क्राफ्ट में इजाफा ही होता है, आपके थॉट में इजाफा होता है, मतलब आप प्रोग्रेस करते हैं. और वो अगर अब मैं अगर 20 साल पहले की बात करूं तो 20 साल पहले वाली तो एक्टिंग मैं अब नहीं कर सकता हूं, क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस लेके भी साथ में चल रहा हूं. तो यही है, सीख यही है कि हर रोज़ बदलते रहना ज़रूरी है. आपके थॉट बदलते हैं, आप बदलते हैं, आपकी हर चीज़ बदलती है, तो एक्टिंग भी बदलती है आपकी. जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे एक्टिंग भी बदलती है आपकी. मैं शायद पहले मेरी अप्रोच कुछ और थी, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले एक्टिंग को लेकर आज कुछ और हो गई, और मैं भी आने वाले वक्त में कुछ और होगी. हर बार बदलता रहूँगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं. एक स्टिक होके या एक तरह के किरदार, मैं अगर कोई मुझे बोले कि तुझे मैं सुपरस्टार बना दूंगा लेकिन एक ही तरह का रोल करना पड़ेगा, मैं अपने गोली मार लूँगा. सच बता रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊँगा और छोड़ दूंगा, कोई किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊँगा. एक तरीके से मैं करता नहीं जाऊँ, मैं सुपरस्टार है कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं एक तरीके से तो नहीं कर पाऊँगा. मैं जितनी भी कोशिश करूँगा हर बार नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो फिल्म एक रुपये में हो, चाहे 2 करोड़ की फिल्म हो, चाहे 10 करोड़ की, चाहे 12-15 करोड़, कितने भी, चाहे मुझे फीस मिले ना मिले, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं तब तक मैं जिंदा हूँ. वरना क्या है, तो जिंदा रहते हुए भी आदमी मर जाता है. वो सब मैं नहीं करना चाहता. तो ये अप्रोच मेरी इस तरीके की आती जा रही है. अभी मैं एक फिल्म करके आया हूँ फ्रैंकफर्ट में, आप यकीन कर सकते हो उसमें 10 लोगों की यूनिट थी, सिर्फ 10 लोग थे उसमें, और इतना डीप काम, बहुत बड़ी फिल्म नहीं लेकिन बहुत डीप फिल्म है. तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, और एट द सेम टाइम मैं एक फिल्म कर रहा हूँ साउथ की, सैंधव, जो बहुत ही करोड़ों करोड़ों की फिल्म है. तो ये एडजस्टमेंट आपकी बॉडी में, आपके थॉट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्टर बनने की कोशिश कर सकते हैं. अदरवाइज तो फिर तो भाई इमेजेस हैं किसी पे कुछ लगा हुआ है नाम के साथ, स्टार के साथ, कोई मेगा है, कोई ये है और कोई वो है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कोशिश करता रहूँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहूँ. शुक्रिया.